हेलो व्यूवर्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीवो V15 Pro की अनबॉक्सिंग आज की वीडियो में। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं दी शॉपिंग। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए दी शॉपिंग को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे ताकि आप देख सको मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। दोस्तों, ये वीवो V15 Pro का ऑफिशियल वारंटी वाला बॉक्स है। इसका जो प्रोडक्ट कोड है वीवो 1818 है, 1818। इस फोन के एक्सेसरी में मिलता है आपको सिम इजेक्टिंग पिन, वारंटी कार्ड और यूजर गाइड। सिलिकॉन का बना हुआ बैक कवर है जिसकी बैक हार्ड है और साइडें इसकी बहुत ही सिलिकॉन टाइप और नाजुक बनाई गई हैं। 2 एम्पीयर का USB पावर अडाप्टर है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जिसको ड्यूल इंजन क्विक चार्ज भी बोलते हैं। USB डेटा केबल, माइक्रो 2.0 कनेक्टर वाली और 3.5 mm ऑडियो जैक वाली हैंड फ्री। इस फोन की पाकिस्तान में जो प्राइस है 65,000 रुपया है, डिस्काउंट के साथ मिल जाता है मार्केट में 60,000 रुपये तक। इंडियन प्राइस 29,000 रुपया है। एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल मेमोरी है। दूसरा तीसरा कोई भी वेरिएंट लॉन्च नहीं किया गया। ओप्पो के इस मॉडल की रीसेल वैल्यू अच्छी होगी। अगर आप 1 मंथ यूज़ करके सेल करते हैं तो 10,000 रुपये लॉस होगा और अगर 6 मंथ यूज़ करके सेल करना चाहें तो आपको 15,000 रुपये लॉस में इजीली सेल हो जाएगा, और जो कि ये एक बेस्ट रीसेल वैल्यू गिनी जाती है मार्केट में। सिक्योरिटी के लिए इसमें दिया गया है इन ग्लास फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाता है। वीवो का पहले वाले मॉडल के नस्बत इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है बहुत ज़्यादा फास्ट है। जैसे कि वीवो नेक्स में जो दिया था ये एक स्टाइलिश भी है और ज़्यादा फास्टर इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ड्यूल सिम सपोर्टेड है, दोनों सिम नैनो लगा सकते हैं और डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दी गई है 256 GB तक। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड microSD लगा सकते हैं। ये टोपाज ब्लू कलर है जबकि एक ही कलर लॉन्च किया गया है, अभी इसके अलावा कोई भी कलर देखने को नहीं मिल रहा। 185 ग्राम इसका वेट है, 157.25 mm इसकी जो हाइट है, 74.71 mm इसकी वेट है, 8.21 mm इसकी डेप्थ या मोटाई है। स्नैपड्रैगन 675 AIE ऑक्टा कोर इसमें सपोर्ट करता है। 6 GB रैम है, 128 GB इंटरनल मेमोरी है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ड्यूल इंजन फास्ट चार्जर इसमें लगाया गया है और ये 5% अगर ये बैटरी चार्ज करनी हो तो ये 3 मिनट में चार्ज हो जाता है। 3700 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है इसकी। इसकी जो बैक बनाई गई है ये फाइबर प्लास्टिक की बनाई गई है जो कि गिरने से टीजरी टूटेगी नहीं, जिसमें डंट जरूर पड़ जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं, ब्रेकेबल नहीं है ये। बॉटम साइड पे मिलता है आपको सिम स्लॉट जिसमें 2 सिम लगती हैं, साथ इसमें माइक है, साथ चार्जिंग स्लॉट है जिसमें आप चार्जर लगा सकते हैं, साथ इसके मिलता है आपको रिंगर। फ़ोन की राइट साइड में मिलता है आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन की। ऊपर वाली साइड में मिलता है आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा, साथ 3.5 mm का ऑडियो जैक लगा सकते हैं हैंड फ्री के लिए और साथ डेडिकेटेड माइक है ऊपर वाली साइड पे। लेफ्ट साइड में मिलता है आपको इमेज रिकॉग्निशन कलर बटन, जैसे कि सैमसंग पे बिक्सी का बटन होता है वो वाला, सेम इसी तरह का फीचर है इसका। उसके ऊपर मिलती है आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट जिसमें सिंगल मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ग्लॉसी शाइन देता है पीछे लेकिन ये ग्लास का बना हुआ नहीं है। इसकी बैक पे जो डिज़ाइन बना हुआ है इसको रिपल स्पेक्ट्रम डिज़ाइन कहते हैं, जिस पे एक यूनिक किस्म की कलर स्कीम दी गई है। AI ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, शूट लाइक ए प्रो। इसकी जो बैटरी चार्ज होती है 15 मिनट में 24% चार्ज हो जाती है, ये बोलते हैं वीवो वाले। इसमें टर्बो GPU लगाया जाता है जो कि एक्सपीरियंस देता है आपको स्मूथ गेमिंग के लिए। V15 Pro का जो स्लोगन है, जो कैप्शन इसको बोलते हैं, 32 MP पॉप अप सेल्फी गो पॉप। इसका जो सेल्फी कैमरा है 0.46 सेकंड में एलिवेट हो जाता है। वीवो वाले बोलते हैं कि अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के ऊपर वाली साइड पे 15 किलोग्राम तक का वेट रख दें तब भी ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा और 3 लाख बार इसको विद द ग्लिच यानी कि विद द सेकंड आप इसको चला सकते हैं। इसके डिस्प्ले में 1.75 mm की नैरो बेजल आपको मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.64% है, सुपर एमोलेड स्क्रीन इस पर लगाई गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें फन टच OS 9 बेस्ड है जो कि एंड्रॉयड 9.0 इसमें आपको मिल जाता है। अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है इसके अंदर 6.39 इंचेस का, जिसकी जो स्क्रीन रेशियो है 2340x1080 है रेजोल्यूशन के हिसाब से। FHD प्लस डिस्प्ले है, ये सुपर एमोलेड इसमें स्क्रीन लगाई गई है। 2.5D का ग्लास लगाया गया है टच स्क्रीन के ऊपर। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो कि पॉप अप कैमरा बोलते हैं इसको।
तीन रियर कैमरे इसमें लगाए गए हैं। एक इसको बोलते हैं 48 मिलियन क्वाड पिक्सल सेंसर लगाया गया है, जिसको 12 मिलियन इफेक्टिव पिक्सल बोलते हैं। इसको 1.8 अपर्चर है जिसका। दूसरा इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है, जिसका 2.2 अपर्चर है। तीसरा इसमें लगाया गया है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका 2.4 अपर्चर है, विद LED फ्लैश लाइट है। सिक्योरिटी की बात करें तो फेस अनलॉक की सिक्योरिटी भी इसमें आपको मिल जाती है।